विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने प्रदेश में कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल के प्रदर्शन पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक तरफ विवादित संगठन पीएफआई के जुलूस को कोटा में अनुमति देती है, वहीं कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को दिखाने वाली फिल्म के प्रदर्शन के समय धारा 144 लगाती है। उन्होंने कहा कि सरकार का ये दोहरा रवैया अनुचित है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था की पालना करवाना जिला प्रशासन और पुलिस का काम है। के अंदर भी द कश्मीर फाइल्स की भीड़ को देखते हुए धारा 144 लगाई जाती है और धारा 144 ये कहती है कि 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। तो क्या सरकार ये भी बताए कि वो फिल्म हॉल शुरू चालू रहेगा या वो भी बंद कर किया जाएगा? और जिस तरीके से राजस्थान की सरकार एक तरफ पीएफआई जो प्रतिबंधित संगठन है उस पीएफआई की अनुमति उसी कोटा की धरती के ऊपर देते हैं, वो अपना मशाल जुलूस निकाले, उपद्रव करे, अशांति का वातावरण पैदा करे, तो राजस्थान की सरकार को सोचना चाहिए कि जनभावनाओं के विरुद्ध जाकर आप जो निर्णय कर रहे हो वक्त आने के ऊपर ये जनभावनाएं आपके विरुद्ध खड़ी रहेगी। और इतिहास के पन्नों में इस बात का साक्ष्य है कि समय रहते तत्कालीन समय में 5 लाख हिंदू परिवार, कश्मीरी पंडित जिनको बेदखल किया गया, तत्कालीन सत्तासीन लोगों ने उनको रोकने की कोई कार्रवाई नहीं की, जो आतंकी गतिविधियां थी उनके ऊपर अंकुश लगाने का कोई कठोर कार्रवाई नहीं करी और हिंदू पलायन करते रहे, उनके साथ उत्पीड़न होता रहा और सरकार मूक दर्शक बन के देखती रही। राजस्थान में कहीं किसी शहर में क्या कानून व्यवस्था होगी, कैसे काम करना, वो कलेक्टर एसपी डिसाइड करेंगे। ये देश राम और कृष्ण का है, आम आदमी का है, ये देश संविधान के अनुसार चलता है। इस देश में सच बोलना चाहिए और यदि किसी नेता में हिम्मत है तो विधानसभा चल रही है राजस्थान की, विधानसभा की, वो जो नेता बाहर बोल रहे हैं उनको सौगंध है खड़े होकर अंदर कहे विधानसभा में, आतंकवाद को खत्म करना सबकी जिम्मेदारी है।